सुप्रभात मित्रों, मैं इंजीनियर सक्षम गुरुकुल स्कूल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज 2 अक्टूबर है। इस दिन देश में 2 महान विभूतियों का जन्म हुआ था, जिसमें एक थे मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी व दूसरे लाल बहादुर शास्त्री। इसी उपलक्ष्य में गुरुकुल की ओर से गुरुकुल की विशेष प्रस्तुति लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन की कहानी व उनकी मौत से जुड़े रहस्य हम लेकर आए हैं। और इस वीडियो का लिंक हमने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, तो प्लीज़ आप उसको जाके ज़रूर देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। पीड़ित परिजनों से मिलने दिल्ली से हाथरस जा रहे राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा को ग्रेटर नोएडा से उत्तर प्रदेश पुलिस ने धारा 144 व महामारी अधिनियम लागू होने के कारण उन्हें रोका और उसी दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। यहीं से राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा को गिरफ्तार कर गेस्ट हाउस ले जाया गया। करीब 5 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद उन्हें रिहा करके दिल्ली भेज दिया गया। हाथरस के हैवानियत के मामले में एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार के मुताबिक लड़की की मौत गले में चोट लगने के कारण हुई। साथ ही साथ प्रारंभिक मेडिकल दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और MSL रिपोर्ट तीनों में ही दुष्कर्म का कोई परिणाम नहीं है। अगली खबर। दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की मांग के लिए कल जंतर मंतर पर विरोध दर्ज कराया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए विशेष रूप से निर्मित मिसाइल रोधी B777 विमान कल टेक्सास से उड़कर नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा है। कल महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्वदेशी निर्मित लेजर निर्देशित टैंक भेदी गाइडेड मिसाइल ATGM का सफल परीक्षण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सभी मौसम में खुली रहने वाली अटल सुरंग का कल हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में उद्घाटन करेंगे। अगली खबर अर्थ जगत से है। मासिक रेट रिवीजन के बाद लखनऊ में कमर्शियल गैस सिलेंडर 19 किलो पर 25.50 रुपए का इजाफा हुआ है। सर्राफा बाजार में सोना 37 रुपए की बढ़त के साथ 51,389 रुपए प्रति 10 ग्राम व चांदी 915 रुपए गिरकर 61,423 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है। BSE सेंसेक्स में कल 629 अंक का उछाल आया। ये 629.12 अंक यानी 1.65% मजबूत होकर 38,697.05 अंक पर बंद हुआ व NSE निफ्टी 159.40 अंक यानी 1.51% उछल कर 11,416.95 अंक पर बंद हुआ। अगली खबर खेल जगत से है। कल IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने किंग्स इलेवन पंजाब को 38 रन से हरा दिया है। आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से है। कल के कुछ मुख्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए गुरुकुल ई स्कूल के साथ। धन्यवाद।